Go to Google Earth and type in your address. वॉच मोजो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गूगल अर्थ में पाई गई 10 सबसे चौंका देने वाली चीजों के बारे में। इस लिस्ट में हम देखेंगे सबसे ज्यादा बेचैन करने वाले, सवाल खड़े करने वाले और रहस्यमय चीजों को जो गूगल अर्थ पर ऑलरेडी देखी जा चुकी हैं या देखी जा सकती हैं। इनमें से आपको सबसे ज्यादा डरावना क्या लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, भूतिया लड़की। भूतों के सच में होने न होने पर बहस शायद कभी खत्म नहीं होने वाली। अब चाहे भूतों पर किसी की कोई भी राय हो, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भूतिया तस्वीरें बहुत डरावनी होती हैं। माना जाता है कि टेक्सास के मार्था चैपल कब्रिस्तान में एक पॉपुलर भूत को देखा जा सकता है। एक लड़की की तस्वीर में ऐसा ही लगता है, पीली सी एक भूतिया लड़की पेड़ के पीछे से झांक रही है। कुछ लोगों ने ये माना है कि वह सिर्फ पेड़ की एक गांठ है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, और कुछ ने कहा कि लड़की ही है जो कैमरे के साथ खेल रही है। इस फोटो की डिटेलिंग करते हुए यूट्यूबर जॉन विल्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि वह लड़की उनकी बेटी ही है। वह गूगल के लिए एक खूबसूरत फोटो खींच रहे थे जब उनकी बेटी पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। चलो खैर, पहले तो सुलझी। नंबर 9, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर जहाज की तबाही। बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ सेंटिनल द्वीप स्थित है जो भारत के साउथ ईस्ट में है। इस द्वीप में सिर्फ सेंटिनल ही रहते हैं जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। वे लोग हिंसक होने के लिए जाने जाते हैं। अरे भाई साहब, इन्होंने तो अपने द्वीप में आने वाले बाहरी लोगों को तो मौत के घाट भी उतारा है। Member of the tribe was photographed on the beach firing arrows at a helicopter sent to check on their well-being. द्वीप के नॉर्थ वेस्ट तट पर एक पुराने जहाज का मलबा पानी से बाहर निकला हुआ देखा जा सकता है। यह है MV प्राइम रोज, एक कार्गो शिप जो अगस्त 1981 में इस द्वीप पर फंस गया था। शिप का क्रू काफी दिनों तक वहां फंसा रहा और वहां के ट्राइबल्स को उन्होंने समुद्र तट पर नाव बनाते हुए भी देखा। बस फिर क्या था, बज गई घंटी, क्योंकि करीब आने पर वह ट्राइबल्स क्रू को जरूर मार देते। वो तो किस्मत अच्छी थी जो सेंटिनलीज के पहुंचने से पहले क्रू को हेलीकॉप्टर द्वारा बचा लिया गया। उन लोकल्स ने जहाज से सारा लोहा निकाल कर उसे एकदम साफ कर दिया। नंबर 8, धरती पर जहन्नुम नर्क। न्यू बाल्टीमोर करीबन 3000 लोगों का एक छोटा सा शहर है जो कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क से 2 घंटे नॉर्थ की तरफ है। यहाँ जब भी गूगल अर्थ के यूजर्स जाते हैं तो एक गड़बड़ी या ग्लिच सी होती है जिससे स्क्रीन में सब कुछ बेरंग और अजीब सा दिखता है। ये कोई बुरा सपना या काला जादू जैसा कुछ लगा होगा आपको, क्योंकि ये ग्लिच न्यू बाल्टीमोर की सीमाओं के अंदर ही होता है। जैसे ही यूजर्स मेन रोड द्वारा शहर के बाहर निकलते हैं तो स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ज्यादा सोच में मत पड़ जाइए क्योंकि असल में ये एक टेक्निकल गड़बड़ है। वैसे इस गड़बड़ को सुधार लिया गया है काफी समय पहले और गूगल अर्थ में हम न्यू बाल्टीमोर अब साफ देख सकते हैं। नंबर 7, डेट्रॉइट में बंदूक। सितंबर 2009 में गूगल कार डेट्रॉइट में ड्राइव करते हुए एक हरे रंग के बरामदे वाले घर के सामने से गुजरती है। वहाँ 5 आदमी खड़े हैं जिनमें से एक ने बंदूक पकड़ रखी है। एक तस्वीर में आदमी ने अपने शरीर के पास बंदूक पकड़ रखी थी और दूसरे में वह गूगल कार पर निशाना लगाता हुआ देखा गया है। शायद वह सिर्फ दिखावा कर रहा था क्योंकि असल में उसने बंदूक चलाई ही नहीं। लेकिन इस पिक्चर के लिए जाने के कुछ सालों बाद इस घर के नजदीक एक बच्चा मृत पाया गया। अब कोई चाह कर भी इस फोटो को गूगल पर नहीं देख सकता क्योंकि इसे ब्लर या धुंधला कर दिया गया है। अब नंबर 6, कबूतर बने लोग। जापान, what's happening in Japan? Why is she going to Japan? गूगल अर्थ में सबसे पॉपुलर तस्वीरों में से एक वेस्टर्न टोक्यो के 8 लोगों का एक ग्रुप का है। इस फोटो में लोग कबूतर के मुखौटे पहने कैमरा को घूरते हुए दिखाई देते हैं। अगर यूजर्स रास्ते में आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं तो मुखौटे पहने लोग कैमरा की तरफ ही देख रहे हैं। कबूतर बने लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पर यह माना जाता है कि वे पास के मुसाशिनो आर्ट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। यह सिर्फ एक मासूम प्रैंक है और वैसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिसे उन्हें ब्लर या फिर धुंधला करने की जरूरत पड़े। तो इनकी ये प्लान शरारत सफल रही। नंबर 5, रेगिस्तानी ग्लिप्स। मिडिल ईस्ट में आर्कियोलॉजी के लिए एरियल फोटोग्राफिक आर्काइव के साथ काम करने वाले साइंटिस्ट एक विचित्र दृश्य की स्टडी कर रहे हैं। जॉर्डन के अजराक ओएसिस में पाए गए हैं विभिन्न ज्योमेट्रिक शेप्स जो बिना किसी स्पेसिफिक पैटर्न के हैं। कुछ चक्रों की तरह दिखते हैं जबकि दूसरे त्रिकोण या रेक्टेंगल आकार के हैं। इन आकृतियों के असल दृश्य का पता नहीं लग पाया है अभी तक। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि वे 8000 वर्ष से अधिक पुराने हैं और विंटर सोल्स्टिस पर सूर्योदय के साथ अलाइन हैं। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने इन आकृतियों को कैसा बनाया होगा। किसने सोचा होगा कि बनने के 10,000 साल बाद भी अंतरिक्ष के एक कैमरा के द्वारा भी लोग इसे देख पाएंगे। ये वास्तव में मानव इतिहास का एक अलग नजरिया पेश करता है। नंबर 4, नैन्सी की मूर्ति।
गूगल अर्थ पर सबसे फेमस पिक्चरों में से एक फ्रांस के शहर नैंसी में पाई जा सकती हैं। ये एक अपार्टमेंट की बालकनी पर स्थित है जिसे दुनिया की सबसे डरावनी मूर्ति कहा जा सकता है। मूर्ति डार्क ब्राउन या काले रंग की है। इसके बाल लंबे व रेशेदार हैं और आंखें तीखी और सफेद है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह कुछ अजीब सा एलियन जैसा दिखता है, जबकि बाकियों का यह मानना है कि ये एक खास परेशानी करने वाली टीकी की मूर्ति लगती है। ये मूर्ति अपने भयानक लुक के कारण बहुत जल्द वायरल हो गई, लेकिन गूगल के लिए मुसीबत ही साबित हुई। वजह तो पता नहीं, पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के जनरल एरिया को अब पूरी तरह से धुंधला या ब्लर कर दिया गया है। हो सकता है कि हम सभी ने कुछ ऐसा देख लिया जो हमें नहीं देखना चाहिए था। नंबर 3, फुटपाथ बेबी। यह एंट्री शायद आपको परेशान और उदास भी कर सकती है। पिक्चर में एक शिशु को फुटपाथ पर अपने घुटनों पर चलता दिखाया गया है। इसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं है और वो एक गुची के दुकान के पास बैठा है जहाँ काफी अंधेरा है। फोटो देखकर लगता है कि इसे सुबह सुबह लिया गया है। तो ये बेचारा अकेला क्यों है? क्या इसके माता पिता सिर्फ छिप रहे हैं? स्टोर के अंदर जाते हुए क्या उन्होंने उसे अकेला बाहर छोड़ दिया? क्या यह भी हो सकता है कि यह बच्चा घर से भाग निकला हो? हमें इनका कोई जवाब नहीं पता और इसी वजह से यह फोटो ज्यादा परेशान करता है। नंबर 2, कजाकिस्तान का पेंटेग्राम। पेंटेग्राम स्पेस से भी देखा जा सकता है। आप जानते ही हैं कि ये ध्यान आकर्षित करने वाला है। कजाकिस्तान के अपर टोबोल रिजर्वायर में एक विशाल पेंटेग्राम जमीन में उकेरा गया है। रिजर्वायर किसी वीरानी सी जगह पर है और ऐसा लगता है कि इस सिंबल को तराशने में कुछ सीरियस एफर्ट्स डाले गए हैं, क्योंकि इसका डायमीटर 1000 फीट से भी ज्यादा है। ये डरावना लगता है, मगर पेंटेग्राम के ओरिजिन के पीछे कोई ठोस बात हो सकती है। एमा उस्मानोवा नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह एक पार्क या कैंप ग्राउंड के अलावा और कुछ नहीं है, जो एक तारे के आकार में बनाया गया था। ऐसा इसीलिए है कि कजाकिस्तान कभी सोवियत यूनियन का था और यूएसएसआर को अपने डिजाइनों में सितारों का इस्तेमाल करने का काफी शौक था। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। नंबर 1, ऑस्ट्रेलियाई त्रिकोण। 2007 में ऑस्ट्रेलियाई जंगल की खोज करते समय गूगल यूजर्स को एक चौंका देने वाला दृश्य दिखाई दिया। किसी अजनबी सुनसान जगह के बीच चमकदार रोशनी से भरा एक भयानक त्रिकोण पाया गया था। दिमाग में तुरंत यूएफओ की पॉपुलर इमेज आ जाती है और हुआ भी कुछ यही। ये एक मेन थ्योरी बन गई। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने दावा किया कि ये त्रिकोण एक एक्टिव यूएफओ था जिसे एक सैटेलाइट ने कैप्चर किया था। और भी प्रैक्टिकल ओपिनियंस दिए गए हैं, जैसे त्रिकोण पास के विंड फार्म के लिए एक रिमोट एंटेना है। और सच कहें तो यही सच्चाई भी है। वो डरावना प्रकाश त्रिकोण अब वहाँ नहीं है और इसकी जगह एक विंड फार्म ने ले ली है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस पर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं।